नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में लगातार दूसरी बार खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस पार्टी में भीतरी कलह शुरू हो गई है। विधानसभा में हार के बाद दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चाको ने बयान भी दिया जिस पर घमासान शुरू हो गया। पीसी चाको ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पतन 2013 में शुरू हुआ जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इसको लेकर चाको पर निशाना साधा और कहा कि चुनावी हार के लिए दिवंगत शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में भी इस्तीफे की पेशकश होने लगी है। करारी हार के बाद मनोज तिवारी ने जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को चुनाव में भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने उम्मीद से ज्यादा और दिल खोल कर दिया। 70 में से 62 सीटें देने का मतलब है कि दिल्ली की जनता ने काम को तवज्जो दी है। दिल्ली के लोगों ने यह साबित किया कि केजरीवाल मॉडल ही विकास का असली मॉडल है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण की तैयारी कर ली है। अब 16 फरवरी को केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ले सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और अफगानिस्तान समेत 25 देशों के राजनयिक बुधवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। यह प्रतिनिधिमंडल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 6 महीने बाद जमीनी हालात का जायजा लेने पहुंचा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रतिनिधियों का दल बारामूला, श्रीनगर और जम्मू के दौरे पर भी निकला। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस द्वारा बर्बर कार्रवाई की गवाह महिलाओं से मुलाकात की। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को इतना परेशान किया गया, आखिर इन्हें समस्या क्या है, बच्चों को जेल से निकाला जाए। बता दें, बीते दिनों पुलिस ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। इसमें काफी महिलाएं घायल हो गई थी। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। यूपी के सहारनपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे गिरिराज सिंह ने दारुल उलूम देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री बताते हुए कहा कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के तार यहां से जुड़े हैं। गिरिराज सिंह ने यह बयान सहारनपुर में जारी नागरिकता कानून के विरोध को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि देवबंद के जो लोग नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं। इंडियन गैस ग्राहकों को एक बड़ा झटका लगा है। इंडियन ऑयल ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में करीब 150 रुपए का इजाफा कर दिया है। सभी महानगरों में बिना सब्सिडी वाले 14 किलो के रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 144.50 रुपए से 149 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो आज से लागू है। दिल्ली में अब 14 किलो का गैस सिलेंडर लगभग 858 रुपए में मिलेगा। यहाँ 144 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं कोलकाता के ग्राहकों को 149 रुपए ज्यादा चुकाकर 896 रुपए के दाम पर सिलेंडर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर ट्वीट किया। मोदी ने कहा कि भारत डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप का यादगार स्वागत करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये यात्रा बहुत खास है और भारत अमेरिकी रिश्तों को और अधिक मजबूत करेगी। बता दें, ट्रंप 24 फरवरी को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत हिरासत में रखने के खिलाफ सारा पायलट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में होने वाली सुनवाई से जस्टिस मोहन एम शांतनु गोदर ने खुद को अलग कर लिया है। इस कारण आज इस मामले में सुनवाई कर पाना संभव नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच शुक्रवार यानी कि 14 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वायनाड से सांसद राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। बता दें, चीन के हुबेई प्रांत से दुनिया के 25 देश में फैले जानलेवा वायरस कोरोना के कारण अब तक 1100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर रखा है। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवाद गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के 2 मामलों में दोषी पाया है, जिससे उसको 5 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। ये पहली बार है जब हाफिज सईद को आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान में दोषी पाया गया है। बता दें, पाकिस्तान का यह फैसला FATF द्वारा होने वाली बैठक से पहले लिया गया है। पाकिस्तान को FATF ने अभी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और अगर वो ब्लैक लिस्ट में आता है तो उसकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।